गोभी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये गोभी, ये अप्रोक्स 250 ग्राम जितना गोभी है, ये दो आलू, दो प्याज, तीन से चार टमाटर, दो से तीन हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कम ज़्यादा, पाँच से सात लहसुन की कलियाँ हैं, दो टेबल स्पून दही, हरा धनिया, ये रूटीन के मसाले हैं, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला। और ये हमने गरम मसाला जीरा और हिंग लिया है। गरम मसाले का इस्तेमाल हम रेसिपी के लास्ट में करेंगे और जीरे और हिंग को हम स्टार्टिंग में ऑयल में डालेंगे। गोभी और आलू को हमें इस तरीके से एकदम बारीक बारीक काटना है और ये गोभी को हम ब्लांच करेंगे और आलू को फ्राई होने के लिए रखेंगे। ऑयल हम एकदम ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही ऑयल डालेंगे और इसमें हम गोभी को ब्लांच करेंगे। बस थोड़ा सा उबाल आ जाए फिर आप इसको उतार दीजिए गैस से। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, ये दोनों चीज़ों को हम स्लो गैस पे ही फ्राई एंड बॉईल होने के लिए रख देंगे। तब तक हम ये सारे वेजिटेबल्स बारीक काट देंगे। ये आलू थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद ये ब्लांच किया हुआ गोभी भी हम इसके साथ में ही फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ये दोनों जब तक गल जाए तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। ये हमारे गोभी और आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको एक बाउल में निकाल देंगे। ये मैंने आलू और गोभी निकाल लिया है बाउल में, इसको अब हम ये जो मसाले लिए थे उससे मैरिनेट करेंगे। नमक, मिर्च, चाट मसाला, आमचूर, हल्दी, धनिया मसाला, ये सब मिक्स करके ये सब्जी में हम डाल देंगे। इसको मैरिनेट करके रख देना है। अभी हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यही कढ़ाई में से हम एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे जिसमें हमने ये फ्राई किए थे सब्जियाँ, वो निकाल के इसको ऑयल को गर्म करेंगे। ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, उसके अंदर हम सबसे पहले ये जीरा डालेंगे और ये हींग डालेंगे। तो थोड़ा सा सौते करके ये मिर्ची और लहसुन जो बारीक काट के रखा है वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा हमें सौते करना है। अब इसके अंदर ये बारीक कटा हुआ ऑनियन डाल देंगे हम। इसको भी दो से पांच मिनट तक हमें सौते करना है, जब तक ये ऑनियन का कच्चापन निकल जाता है। उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। ये हमारा प्याज सौते हो चुका है, इसके अंदर हम टमाटर मिलाएंगे। टमाटर के साथ साथ हम इसमें अब दही डालेंगे, टू टेबल स्पून दही। अरे प्याज और टमाटर के हिस्से का ही हम अब मसाला डालेंगे, धनिया, पिंच ऑफ हल्दी, लाल मिर्च और नमक।
क्योंकि हमने आलू और गोभी में ऑलरेडी मसाला डाल के रखा हुआ है, तो अभी सिर्फ हम प्याज और टमाटर के हिस्से का ही मसाला ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। जब तक ये पानी, दही का पानी और टमाटर का पानी सूख जाता है, तब तक इसको हम स्लो पे पकने देंगे। देखिए टमाटर ऑलमोस्ट पक चुका है, अब इसके अंदर हम ये आलू और गोभी मिक्स कर देंगे। ये गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया, इसे सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और 5 से 10 मिनट के लिए इसको ढक्कन लगा के हम पकने के लिए रख देंगे। ये मिक्स करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए स्लो गैस पे पकने के लिए रख देंगे। हम गैस स्लो करेंगे और ढक्कन लगा देंगे। ये देखिए जो हमने इसमें गरम मसाला डाला, इसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और ये साइड में ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, मतलब हमारी सब्जी बनके रेडी हो चुकी है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको सर्व करेंगे हम। गाइस अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर घर पे बनाए ट्राई करें। रोज़ रूटीन में आप आलू गोभी तो बनाते ही होंगे, लेकिन ये डिफरेंट स्टाइल में आप बना के देखिए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। ये गरम मसाला डाल रही हूँ मैं ऊपर से थोड़ा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।